के आदेश से सभी जगह ओआर के सिपाही जो लाल टोपी लगाते हैं उनकी प्रतिनियुक्ति हुई है। और अभी आप जो जिस नाके नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं आपके साथ विवेक। मैं मुजफ्फरपुर जिले में इन दिनों लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया, जिसके बाद जिले में लगभग 13 TOP का उद्घाटन किया गया, जिसको तिरहुत रेंज के IG पंकज सिन्हा, SSP राकेश कुमार और CT SP अरविंद कुमार प्रताप सिंह के मौजूदगी में यह TOP का उद्घाटन किया। देख सकते हैं अभी हम मुजफ्फरपुर के कन्हौली TOP के पास है, जहाँ शहर के SSP राकेश कुमार, CT SP अरविंद प्रताप सिंह और तिरहुत रेंज के IG पंकज सिन्हा के द्वारा इन्हें शुभारंभ किया गया, जिसमें देख सकते हैं भारी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद है। आपको बता दें कि यह TOP शहर में बढ़ते अपराध को लेकर जिला प्रशासन ने प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद से यह शहर में कुल 13 TOP का शुभारंभ किया गया है। आज से पूरा रूप से शुरू संचालित रूप से हो गया है, जिस पर प्रत्येक TOP पर से पुलिस बिहार पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी भी सौंपी है। पूरे मामले को लेकर तिरहुत रेंज के IG पंकज सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले सुनिए। गाँव का शुरुआत किया जा रहा है, जो कई वर्षों से कार्यरत नहीं थे, उनमें DGP सर के आदेश से सभी जगह OR के सिपाही जो लाल टोपी लगाते हैं उनकी प्रतिनियुक्ति हुई है। और अभी आप जो जिस नाके पर हैं, मिठनपुरा थाना क्षेत्र का है, इसमें तत्कालीन जो यहाँ जो SHO थे उनकी स्थानांतरण हो गया है, तो उनका इसमें प्रयास था, यहाँ के लोगों का प्रयास से ये बन पाया है। तो OR के सिपाही यहाँ रहेंगे और किसी भी प्रकार के अपराध की प्रथम सूचना उनको मिलेगी तो ऊपर सूचना भेजा जाएगा, ये अपने एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे, पुलिस की उपस्थिति दर्ज होगी, तो आम नागरिकों को इससे फ़ायदा होगा और लोगों को शिकायत जो होगा वो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कंप्लेन ये हो सकता है और लोग यहाँ आएंगे, अपनी बात को कहेंगे। इस TOP में और जो अभी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो भी हम लोग पूरा कर देंगे, अभी रहने का और बाकी सब सुविधाएं हो चुकी है। क्राइम कंट्रोल में कमी आएगी जो एरिया वाइज, पर्पस यही है कि शहर के विभिन्न एरियाज में जो पहले TOP होते थे उनको फिर से शुरुआत किया गया है। कई सालों से TOP कार्यरत नहीं थे, वो फंक्शनल नहीं रह गए थे, तो अभी इसको फंक्शनल किया गया है और शहर के अंदर 13 TOP को कार्यरत किया गया है। इसमें SSP साहब का महत्वपूर्ण योगदान है, लगातार इन्होंने मेहनत किया, CT SP ने प्रयास किया, CT DSP ने प्रयास किया, क्योंकि ये सब बंद था और यहाँ पर कोई पदस्थापन नहीं थी। अब ये हो जाने से लोगों को ये सुविधा होगी कि वो थाना के बदले यहाँ भी शिकायत करेंगे और यहाँ के जो लोग पदाधिकारी या जो कर्मी हैं वो संबंधित थाना को सूचित करेंगे। एक TOP में सब कितने पदाधिकारी का परिवार है? अभी एक पदाधिकारी और 4 सिपाही हैं यहाँ पर, तो इनके रहने से ये होगा कि वो जैसा हम बता रहे हैं कि प्रथम सूचना यहाँ दे सकते हैं लोग, इन लोगों का जो गश्ती होगा उससे लोग कोई राह चलते जो अपराध हो जाता है कभी कभी, उस पर भी नियंत्रण होगा। आपने सुना कि तिरहुत रेंज के IG पंकज सिन्हा ने क्या कुछ कहा, उन्होंने बताया कि दरअसल जिले में 13 TOP का उद्घाटन शुभारंभ किया गया है, जिसके बाद से अपराध पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगा, जिसको लेकर पुलिस लगातार काम कर रही है। अब देखना यह होगा कि 13 TOP खुलने के बाद अपराध पर पुलिस किस तरीके से शिकंजा कसती है, लेकिन पुलिस अपनी ओर से पूरी कोशिश शुरू कर दी है। जिस तरीके से लगातार जिला में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने अहम कदम उठाते हुए 13 TOP का शुभारंभ किया गया। इस बीच भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, उन्होंने कार्यकर्ताओं ने पुलिस को धन्यवाद बोला है। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।